प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फाइलम एस्कोमाइकोटिना और मुख्य रूप से इसके अंदर आने वाला एक महत्वपूर्ण ऑर्डर इरिसाइफेल्स, जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बेसिकली एस्कोमाइकोटिना, और हम कह सकते हैं कि जो इसका का क्लास है एस्कोमाइसिटीज, दैट इज ए क्लास हैविंग एस्कस एंड एस्कोस्पोर्स इन देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द फ्रूटिंग बॉडी इज द प्रोडक्शन ऑफ एस्कोकार्प इज द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कोमाइसिटीज और एस्कोमाइकोटिना। इन कमिंग स्लाइड्स वी विल स्टडी ऑल द इम्पोर्टेंट करेक्टर्स, द टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म्ड इन द एस्कोमाइकोटिना एंड स्पेशली द इरिसाइफेल्स और पाउडरी मिल्ड्यू which is an important disease causing losses in important crops of India. The species of Ascomycotina have separate mycelium. Mycelium के अंदर जो है पट पाए जाते हैं, SI और Ascospore बनते हैं जो कि Ascocarp के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर चार प्रकार के Ascocarp पाए जाते हैं, जिसमें Clystotisium, Perithecium, Apothecium and Ascotroma. The species producing Clystotisia, Perithecia and Apothecia have unituniculate SI. एक स्त्रीय वाल से घिरी हुई SI का निर्माण होता है इन तीनों के अंदर, जबकि एस्कोस्ट्रोमा के अंदर जो SI बनती है उसके ऊपर दोहरी भित्ति पाई जाती है, और इसलिए उसको बाई ट्यूनिकेट SI कहते हैं। एक स्त्रीय ओपरकुलेट एस्कस, जिसको हम कह सकते हैं छिद्रयुक्त जो SI बनती है, और यूनिट्यूनिकेट SI कैसी होती है इसके बारे में हम यहाँ पर स्लाइड के अंदर इसका वर्णन देख रहे हैं। ऐसी SI जिसके ऊपर लिड या ओपरकुलम पाया जाता है, और इसके अंदर पाए जाने वाले एस्कोस्पोर जो है उस छिद्र में से बाहर होकर के जब मैच्योर हो जाते हैं तो वहाँ से निकल जाते हैं। तो यूनिट्यूनिकेट SI जो होती है वो ओपरकुलेट होती है, छिद्र वाली होती है, और SI जिसके अंदर एपोथीसिया बनता है और सिंगल वाल्ड होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एस्कोस्पोर का डिस्चार्ज इस यूनिट्यूनिकेट SI के अंदर कैसे होता है वो इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। एस्कोस्पोर है, इसके एक SI के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं, और इसके ऊपर की ओर एक छिद्र बनता है, ओपरकुलम बनता है, लिड बनता है, वो लिड खुल जाता है, और जब SI मैच्योर हो जाती है एस्कोस्पोर इस छिद्र में से बाहर की ओर डिस्पर्स हो जाते हैं। बाई ट्यूनिकेट SI, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके ऊपर दोहरी भित्ति पाई जाती है, डबल वाल पाई जाती है, और स्पोर जब इसमें मैच्योर हो जाते हैं तो ये SI भी स्प्लिट ओपन होती है और स्पोर जो है वो हवा के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इसके अंदर एस्कस एक और कवरिंग के अंदर पाई जाती है, जिसको हम एंडो एस्कस कहते हैं, और जब ये बाहर निकल आती है तो ये अपने स्पोर्स को बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर देती है। एग्जाम्पल इसके अंदर जो है वेंचूरिया एंड ग्विगनार्डिया आर द एग्जाम्पल विच कॉजेज ब्राउन लीफ मॉल्ड ऑफ हॉर्स चेस्टनट। These are the members of Ascomycetes in which fruiting body is found is Ascotroma and SI is bitunicate. Here we can see how spores, ascospores are discharged from bitunicate SI. The type of ascospores, they are covered in double walled structure, that is bitunicate SI, and how the first wall is broken down and then the second wall, the opening is there and ascospores are given out. Proto-tunicate SI are mostly spherical in shape and they have no active dispersal mechanism at all. SI of this type may be found in Perithecia and Clystotisia, some in Penicillium or some other members where SI is rounded or spherical in structure. There is no particular mechanism, particularly in Clystotisium there is no operculum. Is there. So such SI are called as proto-tunicate SI. The class which the series in Alexopolis and MIMS, they have given to the level of Pyranomycetes as a class in which Perithecium is a fruiting body, Ascocarp jo fruiting body hoti hai usko Perithecium kehte hain, ye flask ke aakar ki hoti hai, globose hoti hai, iske upar ki taraf ek costule paya jata hai, chhidra paya jata hai jahan se ascospore bahar ki or nikalte hain. SI जो है इसके अंदर एक स्त्री यूनिट यूनिकेट होती है, और
ये हाइमिनियम लेयर के अंदर जो है अरेंज होती है, इनके बीच बीच में पैराफाइसेज पाए जाते हैं और एस्केस्पोर जो है वो फोर्सिबली डिस्चार्ज होकर के एस्केस से बाहर आ जाते हैं जब पेरिथीसियम मैच्योर हो जाता है। इसके अंदर ऑर्डर आता है सोरेडिरियल्स, द पेरिथीसिया आर यूजुअली डार्क और पेलिड, फ्लास्ट सेप्ड एस्कोस्पोर्स एस्कोकार्प्स विद एन एस्ट्यूल, पैराफाइसेज आर अब्सेंट इन सोरेडिरियल्स, एस्कोस्पोर्स आर मैच्योर एंड दिस इन एग्जाम्पल ऑफ द स्पीसीज दैट डू नॉट प्रोड्यूस एस्ट्रोमा इन नेचर, द स्पीसीज ग्रोज ऑन डंग। हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ सोरेडेरिया, हाउ सोरेडेरिया इज शोइंग इट्स फ्रूटिंग बॉडी एंड देन द स्पोर्स आर रिलीज्ड। ऑर्डर जाइलेरियल्स, ऑर्डर जाइलेरियल्स इज अ वेरी लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ पायरेनोमाइसिटीज द टिपिकली प्रोड्यूस पेरिथीसिया इन स्ट्रोमेटा, जाइलेरिया स्पीसीज एंड पेंजीगिया द स्टोमेटा आर एक्सटर्नली ब्लैक, द कैन बी सीन मोस्टली वाइट इन सेक्शन, द पेरिथीसिया आर एंटायरली इमर्स्ड इन द स्टोमेटा विद ओनली द ओस्टियोल्स ओपन टू द सर्फेस। द जाइलेरिया है स्टोमेटा आर लॉन्ग एंड टेपरिंग, वाइल पेनजीगिया आर द हेमिस्फेरिकल टू ग्लोबोज इन शेप, दे आर फाउंड इन क्लस्टर्स। हियर द स्टोमेटा हैज बीन गिवन, हाउ ओस्टियोल्स आर सीन एंड स्टोमेटा ऑफ जाइलेरिया एंड पेंजीनिया शोन इन द डायग्राम, हाउ द पेरिथीसियम इज शोइंग ओनली ओस्टियोल ऑन अपर साइड, अदरवाइज द फ्लास्ट सेप स्ट्रक्चर दैट इज पेरिथीसिया इज फाउंड इन साइड द स्ट्रोमा। नेक्स्ट सीरीज इज द डिस्कोमाइसिटीज, डिस्कोमाइसिटीज इज करेक्टेड बाई प्रोड्यूस्ड पेरपोथीशियम एज ए फ्रूटिंग बॉडी और वी कैन कॉल इट इज एन एस्कोकार्प जो कि डिस्क के आकार की होती है, और एपोथीशियम जो है वो कप के आकार का या कप सेप्ड होता है, इसलिए इसके मेंबर्स को हम कप पंजे के रूप में भी जानते हैं। ऐसा ही यूनिट्यूनिकेट होती है, फोर्सिबली एस्कोस्पोर को डिस्चार्ज करती है। पैराफाइसेज इसके अंदर जो है जनरली एपोथीशिया के अंदर पाए जाते हैं जो कि ऐसा ही के बीच बीच में सहसूत्रों के रूप में पाए जाते हैं। मोरसेला, लेओटिया, गायरोमेट्रा इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिस्कोमाइसिटीज विच हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ एपोथीशिया। मोरसेला इज हैविंग फ्रूटिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प एंड इज इज ए फ्यूज्ड फ्रूटिंग बॉडी हैविंग मैनी डिप्रेशंस इज द फर्टाइल रीजन एंड रिजेज विच आर स्टेराइल इन बिटवीन दीज फ्रूटिंग बॉडी। लियोटोला द कप ऑफ द एपोथीशियम इज इंटरप्रिटेड इज बींग फोल्डेड बैक एंड इन गायरोमेट्रा एपोथीशियम इज सेड टू बी द सैडल सेप्ड। हियर द एपोथीशिया हैव बीन शोन इन द डायग्राम, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल एपोथीशिया आर सीन इन द स्लाइड्स। ही इज देर इज ए मोरसुला एंड गायरोमेट्रा, हाउ द टाइप ऑफ एपोथीशिया विद वेरियस टाइप ऑफ गुड लुकिंग स्ट्रक्चर्स आर सीन इन द स्लाइड। द प्लेक्टोमाइसिटीज दैट इज क्लिस्टोथीशिया इज फ्रूटिंग बॉडी, द एस्कोकार्प इज अ स्पेरिकल कंप्लीटली क्लोज स्ट्रक्चर, देर इज नो ऑस्टियोल एंड देर फॉर इट इज कॉल्ड एज क्लिस्टोथीशियम। इट इंक्लूड्स द ऑर्डर यूरोसियल्स दैट इज अ सेप्रोफिटिक प्लेक्टोमाइसिटीज, अनदर ऑर्डर दैट इज इरिसाइपल्स विच इज हैविंग फ्रूटिंग बॉडी इज क्लिस्टोथीशियम बट इट इज क्लासिफाइड अंडर पायरेनोमाइसिटीज। इन द यूरोसियल्स इन विच द एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम कम्स इट इज अ सेप्रोफिटिक फंजाई, एस आई आर ग्लोबोज एंड स्कैटर्ड विद इन क्लिस्टोथीशियम एंड गुड एग्जाम्पल इज एस्परजिलस, वी हैव सीन डायग्राम दैट इज क्लिस्टोथीशियम इज ए जस्ट राउंडेड स्ट्रक्चर एंड द एस आई आर आर ऑल्सो राउंडेड इन विच एट एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। The order erysipels, very commonly it is obligate parasites of many vascular plants causing an important disease which causes damage to the crops and called as powdery mildew. Churnilasita या powdery mildew एक ऐसी disease है जिसके अंदर पत्ती की ऊपरी या निचली सतह के ऊपर white powder के रूप में conidia का mass जो है पाया जाता है। इस कण के जो लक्षण होते हैं उसमें मुख्य रूप से फंजाई जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है और अपने होस्टोरिया जो है होस्ट की सरफेस में डाल करके वहाँ से भोजन को जो है
विड्रो करती है, हम कह सकते हैं भोजन को एब्जॉर्ब करती है, और लीफ की सरफेस के ऊपर ये फैलती रहती है। इसके अंदर क्लिस्टोथीसिया पाए जाते हैं जो कि सुपरफिशियल माइसिलियम पर बनते हैं, और ऐसा ही जो है वो सिलेंड्रिकल होती है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इस मेंबर्स इसमें क्लिस्टोथीसियम बनने के बाद भी इसको हम पायरोनोमाइसिस में क्लासीफाई क्यों करते हैं, इरिसाइफेल्स जो है अर्लियर क्लासिफिकेशन के अंदर जो है उसको प्लेक्टोमाइसिस के अंदर क्लासीफाई कर रखा था क्योंकि इसके अंदर क्लिस्टोथीसियम का निर्माण बनता है। लेकिन इरिसाइफेल्स के अंदर बनने वाले क्लिस्टोथीसियम के अंदर ऐसा ही क्लिस्टोथीसियम के आधार पर लगी रहती है, और आधार पर लगे होने के कारण इसे पायरेनोमाइसिटीज के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। तो इरिसाइपेल्स और पाउडरी मिल्ड्यू का जो गण है इसको हम पायरेनोमाइसिटीज के अंदर पढ़ते हैं। पायरेनोमाइसिटीज के अंदर मुख्य रूप से पाउडरी मिल्ड्यू आर कोज बाई सेवरल जनरा ऑफ एस्कोमाइकोटीना, दे आर होस्ट स्पेसिफिक बायोट्रॉफिक एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट, फंगस प्रोड्यूस हाइपी एंड कोनिडिया यूजली ऑन दी अपर सर्फेस ऑफ द स्टेम्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो ऑन लीव्स, दे कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड by the formation of ascocarp with no natural opening called as clistothecium. There are different type of appendages are found in powdery mildew by which we can identify the various members or genera of the powdery mildew or erysiphels. Here we can see how the fungi is showing the powder on the upper surface of the leaf. These are the conidial powder, and therefore it is in the form of powder, and therefore it is called as powdery mildew. Here we can see the conidia are shown on the just cotton like mycelium found on the upper surface of the leaf, and these all are the conidia. Here is the fruiting body, that is clistothecium, is shown here. It is in broken stage and the SI are coming out, and these all are the appendages found on this clistothecia by which they are get attached to the surface of the leaf. So these all are the characteristic of the powdery mildew which are found extracellular. Agar hum powdery mildew ke genera ko identify karne ki koshish kare to kis prakar se identify kiya ja sakta hai, to yahan par jo powdery mildew ke members hain unme appendages jo hai wo kis prakar ke hote hain uske aadhar par unko identify kiya jata hai. To appendages jo hai wo coiled और हुक्ड अप एट द टिप, जैसे कि एंसिनुला में पाया जाता है। अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे आगे तो उसमें पता लगेगा कि एंसिनुला का जो क्लिस्टोथीसियम है उसके ऊपर जो अपेंडेजेज लगे हैं बाहर, उसके अपेंडेजेज आगे जाकर के कॉइल हो जाते हैं या हुक के आकार के दिखाई देते हैं। जैसा फाइलेक्टिनिया के अंदर ये अपेंडेजेज जो है आधार के ऊपर बल्ब के जैसे फूले हुए रहते हैं, तो उसको हम बल्बस बेस कहते हैं, जैसा फाइलेक्टिनिया के अंदर पाया जाता है। अपेंडेजेज आर डाइकोटोमसली ब्रांच द टिप, क्लिस्टोथीसियम कंटेन्स ए सिंगल एस्कस दैट इज पोडोस्पिरा, पोडोस्पिरा इज द मेंबर वेयर अपेंडेजेज आर डाइकोटोमसली ब्रांच एंड ओनली सिंगल एस्कस इज फाउंड। इन माइक्रोस्पिरा द क्लिस्टोथीसियम कंटेन्स सेवरल एसआई एंड अपेंडेजेज आर द सिंपल और इरेगुलरली ब्रांच ऑफन इंटरट्वाइंड, क्लिस्टोथीसियम कंटेन्स सिंगल एस्कस दैट इज स्फेरोथिका, एंड इफ आर देर आर सेवरल एसआई देन इट इज इरिसाइफी। सो these are the identification genera, or we can see how the powdery mildew genera can be identified on the basis of the number of ascus and the appendages present on the clistothecium are shown in the in diagrams. Here we can see it is the uncinula where appendages are coiled up. This is the phylactinia where base of the appendages are the bulb like. Then appendages are simple and it is single ascus is there, then it is sporothica, and if there are more than one ascus are there, then it is erysiphe. Similarly, if appendages are dichotomously branched, then there are two variety, one is podospira if single ascus is there in ascocarp or in clistothecium, and if there are more than one si are present in the si, then it is microspira. So these are the different parameters by which we can identify different type of clistothecium found in erysipels, and on the basis of the appendages and number of SI we can identify all powdery mildews in erysipels. Here we can see the highlighted diagram of the phylloctenia, which is
having the bulbous bases on the appendages, that is phylactinia, and this is the SI found in the iris IP, where appendages, sorry, uncinula, where appendages are coiled up in their end, and SI are more than one. This is uncinula. So, on the basis of various appendages found in iris IPLs, we can identify the same. So, this is all about the Ascomycotina and different type of fruiting bodies formed, and particularly iris IPLs or the powdery mildews, how can they be identified is shown in this lecture. Thank you very much.